फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्रीपोजिशन का लेसन जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिफोर, बिहाइंड, बिलो और बिसाइड के बारे में देखें। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि बिफोर का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, बिफोर मीन्स से पहले, और इसका इस्तेमाल अर्लियर देन समबडी आर समथिंग के सेंस में किया जाता है। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, इसका मीनिंग हुआ वह लंच से पहले आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि से पहले के लिए मैंने बिफोर का इस्तेमाल किया। ए कम्स बिफोर बी, यानी बी से पहले ए आता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो फ्रेंड्स, से पहले के लिए मैंने बिफोर का इस्तेमाल किया। बिफोर मीन्स से पहले। आइए फ्रेंड्स बिफोर का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर का एक मीनिंग के सामने भी होता है। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था। हु इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने कौन है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने बिफोर का इस्तेमाल सीखा कि बिफोर का इस्तेमाल से पहले और के सामने के लिए किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सीखें कि बिहाइंड का क्या इस्तेमाल है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, बिहाइंड मीन्स के पीछे, और इससे प्लेस या टाइम का पता चलता है। जैसे द डॉग इज बिहाइंड इट्स मास्टर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कुत्ता अपने मास्टर के पीछे है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने के पीछे के लिए बिहाइंड का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर बिहाइंड का इस्तेमाल प्लेस के सेंस में हुआ। मैंने बताया कि कुत्ता का पोजीशन क्या है, तो कुत्ता अपने मास्टर के पीछे है। आइए फ्रेंड्स अगला इस्तेमाल देखते हैं। सी हिड बिहाइंड द ट्री, यानी वह पेड़ के पीछे छिप गई। तो फ्रेंड्स, के पीछे के लिए मैंने बिहाइंड का इस्तेमाल किया, और यहाँ बिहाइंड से किसी जगह का पता चला, यानी प्लेस का पता चला। द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, ट्रेन अपने वक्त से पीछे चल रही है या पीछे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर के पीछे के लिए मैंने बिहाइंड का यूज किया, जिसे टाइम का पता चला। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि बिहाइंड का इस्तेमाल के पीछे के लिए करते हैं, और इससे टाइम या प्लेस का पता चलता है। ही इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, वह अपने माँ के पीछे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि के पीछे के लिए मैंने बिहाइंड का यूज किया, जिससे किसी जगह का पता चला। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, यानी तुम्हारी कामयाबी के पीछे कौन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के पीछे के लिए मैंने बिहाइंड का इस्तेमाल किया। अवर हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, हमारा घर पोस्ट ऑफिस के पीछे है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई के पीछे के लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स अब बिसाइड के बारे में सीखें। फ्रेंड्स, बिसाइड मीन्स बगल में या बाहर, जिसे किसी प्लेस का पता चलता है, यानी जगह का पता चलता है। जैसे सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने माँ के बगल में बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ बिसाइड का मतलब कि बगल में। देयर इज अ रिवर बिसाइड माई होम, यानी मेरे घर के बगल में एक नदी है। तो फ्रेंड्स, बगल में के लिए मैंने बिसाइड का इस्तेमाल किया। योर आर्ग्यूमेंट बिसाइड द पॉइंट, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम्हारी बहस पॉइंट से बाहर है, यानी मुद्दे से बाहर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि बाहर के लिए मैंने बिसाइड का इस्तेमाल किया, क्योंकि बिसाइड का इस्तेमाल बाहर के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि बिसाइड का इस्तेमाल आप बगल में या बाहर में के लिए करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। बिसाइड मीन्स क्या होता है ये आपने सीख लिया, लेकिन बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश सी नोज मेनी अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अतिरिक्त वह और भी कई भाषाएं जानती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बिसाइड्स का यूज पहले से पता है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिसाइड का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिलो का करेक्ट इस्तेमाल देखें। बिलो मीन्स के नीचे, यानी
एट ए लोअर पॉइंट आ डिग्री, जैसे डोंट राइट बिलो द लाइन, यानी लाइन के नीचे मत लिखो, या मेहरबानी करके लाइन के नीचे मत लिखो। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि नीचे के लिए मैंने बिलो का इस्तेमाल किया जहाँ किसी पॉइंट की बात हुई। द नंबर वॉज बिलो 20। तो फ्रेंड्स, आपने देखा संख्या 20 के नीचे थी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि के नीचे के लिए मैंने बिलो का इस्तेमाल किया जहाँ किसी डिग्री की बात की गई। तो बिलो का इस्तेमाल हम के नीचे के लिए करते हैं जिससे किसी पॉइंट या डिग्री का पता चलता है। दे लिव बिलो अस, वे हम लोगों के नीचे रहते हैं। यहाँ पर मैंने के नीचे के लिए बिलो का इस्तेमाल किया। द टेम्परेचर हैज गॉन बिलो 20 सेल्सियस टुडे, आज टेम्परेचर 20 सेल्सियस के नीचे चली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने के नीचे के लिए बिलो का इस्तेमाल किया जिससे किसी डिग्री का पता चला। अ सब इंस्पेक्टर इज बिलो एंड इंस्पेक्टर, यानी एक सब इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर के नीचे होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बिलो का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया कि बिलो मीन्स के नीचे और इससे किसी पॉइंट या डिग्री का पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये चारों प्रीपोजिशन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इन चारों प्रीपोजिशन को ठीक से समझा तो क्या इन चारों प्रीपोजिशन पर एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। चार सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।